हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज अपने पास है 2022 मॉडल TVS Apache RTR 160, जिसका हम इस वीडियो में डिटेल रिव्यू करने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं इस बाइक में जो 2022 मॉडल है TVS Apache RTR 162V, इसमें TVS तरफ से क्या क्या चेंजेस किया गया है इस बाइक में, उसको मैं आपको बताने वाला हूँ। क्या नया फीचर्स इसमें ऐड किया गया है उसके बारे में हम डिटेल्स में इस वीडियो थ्रू बताने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा, जिससे आने वाली सभी वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो भाई, सबसे पहले बात करें इसमें जो अपडेट किया गया है, मैं उसके आपको बताना चाहूँगा। तो सबसे पहला जो इसका अपडेट निकल के आ रहा है इसके हेडलाइट में, तो आप यहाँ पे देखेंगे इसका जो DRL आपको देखने को मिलता है, काफ़ी यूनिक लग रहा है देखने में, काफ़ी ब्राइट लाइट आपको मिलती है। और जो इसमें हेडलाइट आपको सेटअप मिलती है, कम्प्लीटली यह चेंज कर दिया गया है। पहले आपको यह हेलोजन बल्ब की हेडलाइट मिलती थी, लेकिन अब इसे चेंज कर आपको कम्प्लीटली यह LED हेडलाइट की सेटअप मिलती है, जो देखने में काफ़ी प्रीमियम लगता है, काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है। तो कुछ इस तरह से आपको इसकी, आप यहाँ पर नोटिस करेंगे, कुछ इस तरह से इसकी आपको लाइट मिलती है। और जो इसका हेडलाइट आपको मिलता है, काफ़ी शार्प इसकी डिजाइनिंग देखने को मिलती है, आप यहाँ पर नोटिस करेंगे। पहले से काफ़ी इसमें इम्प्रूवमेंट किया गया है। अब बात करें नेक्स्ट अपडेट की, तो जो अगला अपडेट निकल के आता है इस बाइक में, इसकी ग्राफिक्स में किया गया है और टैंक काउल पर किया गया है। आप यहाँ पर देखेंगे इसके टैंक काउल पर, तो यहाँ पर आप नोटिस करेंगे ये जो ग्राफिक्स आप देख रहे हैं, ये बिल्कुल नया ग्राफिक्स है। और जो टैंक काउल है उस पर आप देखेंगे जो इसकी डिजाइनिंग की गई है, ये भी पहले से चेंजेस कर दिया गया है इस बाइक में, चेंज कर दिया गया है। जो चेंजेस किया गया है ये काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है, काफ़ी मस्कुलर लग रही है देखने में। और यहाँ पे देखेंगे RTFI की आपको बैजिंग देखने को मिलती है, जैसा कि रेस्ट्यून फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम आपको इस बाइक में लगा मिलता है। तो ये चेंजेस किया गया है इस बाइक में, आपको टैंक काउल इसका चेंजेस देखने को मिलता है। अब रियर साइड में आए तो इस बाइक के रियर साइड में आप देखेंगे जो अगला चेंजेस किया गया है, यहाँ पे आप नोटिस करेंगे इसका जो टेल लाइट आपको मिलती है, कुछ इस तरह से आपको मिलती है। ये भी काफ़ी अच्छा अपडेट आपको देखने को मिलता है इसके टेल लाइट में। अब गाइस, बात करें नेक्स्ट अपडेट की इस बाइक में, तो इसका जो नेक्स्ट अपडेट निकल के आता है इसके मीटर कंसोल में आपको देखने को मिलती है। तो अब आपको यहाँ पर जो इसका मीटर कंसोल मिलता है, फुली डिजिटल मीटर कंसोल मिलता है, आप यहाँ पर देखेंगे। जैसा कि अपाचे RTR 164V में आता था, सेम उसी टाइप को आपको यहाँ पर अब इसका मीटर कंसोल मिलता है, फुली डिजिटल मीटर कंसोल देखने को मिलती है। अब इसमें आपको राइडिंग मोड्स भी ऑफर किया गया है, तो आप यहाँ पर देखेंगे बाइक के राइट हैंड बार पर, तो यहाँ पर मोड चेंज करने का आपको स्विच भी मिल जाता है। तो इसमें आप देखेंगे 3 मोड्स आपको देखने को मिलता है, रेन, अर्बन और स्पोर्ट मोड आपको देखने को मिलता है इस बाइक में, जो 2022 मॉडल है TVS Apache RTR 160। अब बात करें नेक्स्ट अपडेट की, तो टैंक पर आप देखेंगे जो ग्राफिक्स यहाँ पे देखने को मिलता है आपको, उस पर आप देखेंगे रेसिंग सिंस 1982 की आपको बैजिंग देखने को मिलती है। और यहाँ पर आपको ये फायर बॉडी आपको लगा मिलता है इसके टैंक काउल पर। अब बात करें इसके इंजन परफॉर्मेंस की, तो इसका जो इंजन पहले से इम्प्रूव कर दिया गया है, इसमें आपको जो पावर मिलेगी पहले से ज़्यादा मिलेगी, जो इसका डिटेल वीडियो है, डिटेल रिव्यू है, उसमें आपको बताने वाला हूँ पावर आपको कितना ज़्यादा मिलती है, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाले हैं। गाइज, यहाँ देखेंगे नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करें, तो यहाँ पर देखेंगे जो इसका आपको इंजन गार्ड लगा मिलता है, TVS रेसिंग आपको देखने को मिलती है, और ये भी चेंजेस कर दिया गया है। आप यहाँ पर फ्रंट से देखेंगे तो कुछ इस तरह से यहाँ पर ये भी चेंजेस किया गया है इस बाइक में। सो गाइस, ये रहा TVS Apache RTR 162V का अपडेट। तो जल्दी मेरे चैनल पे आपको डिटेल रिव्यू और टेस्ट राइड वीडियो आने वाली है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा, जिससे आने वाली सभी वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।